बिल्ली और सी शब्दों को देखते हुए निकाल दें। हम निकाल दें हमारा सारा जीवन, ये जो तुमने देवता और कुत्ता बनाया है ये देखने के लिए, क्या हमारा जीवन ये सी शब्द देखने के लिए बना है? नहीं हिमालय नहीं, तुम तो ज्यादती कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो हम सब ये छोड़ के चले जाए फिर पाषाण युग में जिए उसी तरह पत्ते बांध के? हिमालय कुछ ऐसी बात करो कि लोग बोले तुम करके नहीं। मैंने अभी कहा तुमसे तुम्हारी दूसरी मुख्य समस्या है तुम्हारा असीमित घमंड। अरे अब देखो ना, तुमने टिहरी को वहां खड़ा कर दिया जो मेरे सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में आता है। अरे सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी ही उसका तो दोहन तुमने इतना किया कि वह समुद्र तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती है। विज्ञान का उपयोग तुम केवल अपने भोग विलास के साधन बनाने में ही ज्यादा कर रहे हो मित्र। तुम क्या बोलना चाहते हो हिमालय? ये पक्षी गए, ये फूल गए, ये नदी सूखी, ये कीड़े मकोड़े गए, तो हमारा जीवन चक्र पत्ते में पड़ जाएगा। सावधान मानो, जिन्हें तुम कीड़े मकोड़े कह रहे हो वो इस सृष्टि के लिए तुम्हारे जैसे ही एक प्राणी है, और इस सृष्टि पर तुम्हारे अस्तित्व का जितना महत्व है उनसे कहीं गुना ज्यादा महत्व ही छोटे छोटे कीड़े पतंगों का भी है, मेरे सहचरों का भी है। सावधान मानो। ये बात तुमने ठीक ही कही, थोड़ी थोड़ी बात मुझे तुम्हारी समझ में आ रही है हिमालय। ये कीड़े मकोड़े वो आदमी भी कीड़े मकोड़े की जमात में, सही बात है। विकास के इस देवदौर में जनजीवन सामान्य जनजीवन में रहने वाला आदमी इसके औकात है कीड़े मकोड़े से ज्यादा और क्या नहीं है? क्या ये वैली, ये नदियां, ये सब नष्ट होगी हिमालय धीरे धीरे? देश कहता बहाव उनको अब देखने को नहीं मिलेगा? लगता है धीरे धीरे ही सही, पर तू मेरी बात सुनने समझने के लिए तैयार हो गया। नाराज ना हो गया, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ तुम ही लोगों को देने के लिए ही तो है। अरे करोड़ों करोड़ों वर्षों से सहेज कर रखा है मैंने इसे, लेकिन जानते हो मेरा दर्द क्या है? मेरा दर्द यह नहीं है कि यह सब नष्ट हो रहा है, मैं नष्ट हो रहा हूं मित्र, ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर सब कुछ समाप्त तो होना ही है। मेरा दर्द तो उस माँ के समान है जिसने बड़े जतन से अपने पूरे परिवार के लिए भोजन बनाया हो, किंतु सारा का सारा भोजन कुछ बिगड़े पुत्र पहले ही चट कर जावे, और इतना ही नहीं जाते जाते सारी कच्ची भोजन सामग्री भी नष्ट कर दे। तो बताओ मित्र, बाद में आने वाले पुत्रों को मैं क्या करूं, सुख क्या दूं मैं उनको? हाँ हिमालय, तुम्हारी बात अब मेरे समझ में आ रही है। ये वो ग्लेशियर है गोमुख, यहाँ से भागीरथी निकलती है, और ये बड़ी तेजी से निकल रहा है। ये हर की दूर ये भी बहुत तेजी से यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरे हिमालय में ऐसे सूखे पेड़ अंबार पेड़ों के अंबार दिख रहे हैं। ये 21,000 फुट की ऊंचाई के पास से दिखने वाला विश्व ये भी खत्म हो जाएगा। हिमालय मुझे तुम्हारी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है।